ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है। फेब्रुआरी 28, 2024। बाप दादा मधुबन। प्रातः मुरली है, शिव बाबा के महावाक्य है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ, खास करके भारतवासी, कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, क्योंकि शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती, बाकी और धर्मों में और देशों में जो जो अलग अलग त्यौहार मनाए जाते उसमें शिव जयंती नहीं होती। गीता जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो बाबा कहते हैं सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक बाबा न आए, पूरा का पूरा ज्ञान और शक्ति न दे, तब तक कृष्ण जयंती हो न सकती। और ज्ञान ही क्या है, बाबा का सच्चा सच्चा गीत मतलब गीता है। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? दूसरा पार्ट है, धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते? तब आजकल क्लियर कट वो कैसे अलग है धर्म स्थापकों से, या तो अन्य आत्माओं से, चाहे देवात्मा हो, चाहे धर्म स्थापक आत्माएँ हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, उनके बारे में बार बार बता रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। जो भी आत्मा आती है ना, बहुत ही प्योर होती है, जो जो धर्म स्थापक की आत्मा है, डायरेक्ट दूसरे के शरीर में एंट्री लेती है, इतनी पवित्र होती है। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, पूरे साइकिल में प्योरिटी का ही महत्व है। सत्युग और त्रेता बाबा स्थापन करते हैं क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, दो युग वो चलता है। बाबा जितनी पवित्रता किसी में हो नहीं सकते, किसी को सागर नहीं कह सकते, स्वरूप बन जाते हम, सागर कभी नहीं बन सकते। यही तो डिफरेंस है हमारे और उसके बीच में। इसलिए बाबा कहते हैं सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, प्योरिटी नहीं होती तो धर्म स्थापन आत्माएं कर नहीं सकती। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, किसी में ताकत नहीं, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है, सबको पतित बनना ही है। कोई भी धर्म स्थापक जब आता है, इंक्लूडिंग खुद बाबा, तब क्या है, माया का राज होता है। माया बाबा की एंट्री भी कहाँ है, माया के तमोप्रधान राज में, तमोप्रधान शरीर में। इसलिए कोई भी धर्म स्थापन होता है, क्या होता है, सत्युग त्रेता नहीं होता है, माया का राज आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है। इसलिए जो आते हैं दूसरों को पावन नहीं बनाते, और माया का राज है तो सबको पतित तो बनना ही है, डेस्टाइन है, प्रीडेस्टीन है। पतित तो को पावन बनाना यह बाप का ही काम है, किसी की ताकत नहीं है। प्योर आत्मा है, खुद है, मगर दूसरों को बना नहीं सकते क्योंकि वो सागर नहीं है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। एक बाप ही ऐसा है जो पवित्रता का सागर है, और वही उनकी श्रीमत देता कैसे पवित्र बना जाए। इसको ही कहते दो ही शब्दों में, मन मना भव मध्याज भव। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ सुख और चैन हो। आत्मा थक गई इस दुनिया से, इसलिए आत्मा पुकारती है परमात्मा को कि हे प्रभु, हे लिबरेटर, हे प्योरीफायर राजा, और हमें इस दुनिया से छुड़ा दे, कहाँ ले जा जहाँ सुख और चैन हो, दुख का नाम निशान हो। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता। बाबा ने आकर दोनों का कंट्रास्ट कंप्लीट बता दिया, इतना स्पष्ट कर दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है।
पार जो टुकड़े होते होते छोटा सा टुकड़ा बन गया है, वो क्या है? पाप की दुनिया है। खास भारत, आम सारी दुनिया, सब पाप उसके अधीन है। और फिर वही भारत, मतलब सब कनेक्ट हो जाता है परमात्मा के पावर से, तो वही भारत क्या बन जाता है? रत्नों से भरपूर पूरी दुनिया बन जाती है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भारत ही बहिस्त था, बहिस्त था, पैराडाइज था, स्वर्ग था, हेवन था, नाम कुछ भी कहो, भारत ही दो जग बना है, कुछ नहीं रहा। क्योंकि काम चिता पर जलते रहते, क्यों? सबसे विकार ज्यादा भारत, जितना ऊंच उतना ही नीच, जितना ही पावन उतना ही पतित, इसलिए सब कुछ वहाँ होता रहता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं, कहाँ? सतयुग में वहाँ काम चिता है ही नहीं, सतयुग में बात नहीं है। भारत जब दो जग बन जाता है, तभी काम चिता पर जलते रहते हैं आत्मा। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है, यह समझने की बात है। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। क्योंकि कोई भी चीज़ पहले ब्रांड न्यू, बाद में न्यू, मीडियम ओल्ड, ओल्ड बन जाती है ना, तो पहले होगा ही सबसे पावन, सबसे सुखी। कहते भी है ने, आदि सनातन हिंदू धर्म था, क्योंकि देवता अपने को कहला ना सके, इसलिए बिंदु सिंधु की पूजा से हिंदू कर दिया। और क्या नाम रखा? आदि सनातन देवी देवता धर्म से आदि सनातन हिंदू धर्म। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है, पूछो। बाबा कहते हैं आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग, शुरुआत होती है सतयुग से, बिगिनिंग। सनातन मतलब इटर्नल, जो हमेशा है। तो बाबा कहते इटर्नल है। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग, तो सतयुग में कौन थे? कोई हिंदू नहीं थे, लक्ष्मी नारायण देवी देवता थे। यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे, मंदिरों में उनका प्रूफ है। यदि मंदिर नहीं होते तो लोग मानते ही नहीं। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने? उनके माता पिता भी राजा रानी ही होंगे, जिससे फिर वो नई दुनिया के मालिक बन सके। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे। लौकिक माता पिता की इतनी वैल्यू नहीं। कृष्ण के इतनी गायन है, इतनी पूजा अर्चना उसके माता पिता की नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं शारीरिक की बात नहीं, शरीर की बात नहीं। परमात्मा कहते हैं जैसी आत्मा वैसा शरीर, इसलिए आत्मा को इतना पावरफुल बनाने वाला है ही परमपिता परमात्मा। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते, भूल गए हैं उनको, मानते हैं भगवान के बच्चे हैं, मगर समझ कुछ भी नहीं है, खाली बोलने के लिए बोल देते हैं। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं है, इसलिए कैसे समझेंगे? पता ही नहीं वो हमारा पिता कैसे है, हमारी माँ कैसे है। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता के देखो एक भी वर्ड हिंदू धर्म का नहीं है। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा, जो हिंदू आदि सनातन हिंदू धर्म की उनकी महासभा। अब श्रीमद् भगवद गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है, भारत में सब त्यौहार मनाए जाते हैं। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए, बाबा कहते कुछ पता नहीं है। फिर है कृष्ण जयंती, पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, सीधी कृष्ण जयंती नहीं होती। शिव बाबा आते, ज्ञान देते, शक्ति देते, उनके आधार पर ही कृष्ण जयंती होती है। यदि बाबा सच्ची गीता का ज्ञान नहीं सुनाते तो कृष्ण जयंती हो ही नहीं सकती।
स्वर्ग की स्थापना हो ही नहीं सकती। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। बाबा आएगा, सब कुछ ज्ञान तो एक दिन में नहीं देगा, 100 साल लग जाते हैं, इसलिए गीता जयंती चलती है लंबा, एक दिन का काम नहीं है। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, हिंदू धर्म की स्थापना नहीं होती है। और हिंदू धर्म का पुस्तक है गीता, ऐसा कहीं नहीं लिखा। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है, उसमें फिर आती है युद्ध की बात। महाभारत में दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, यूरोप वासी जिसको बाबा कहते हैं, जो लोग साइंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, एटम बम बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, जिसको मुसल कहते हैं शास्त्र, वो है यादव कौरव। परमात्मा को जानते हैं मगर मानते नहीं हैं, पता है ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है, किससे ज्ञान सुन रहे, सब कुछ जानते हैं, हमारे से भी अच्छा जानते हैं, मगर स्वीकार नहीं करते। दुर्योधन को पता था श्री कृष्ण में इतनी ताकत है, एक ही काफी है, मगर तो भी ऐसी माया बताई गई कि वो श्री कृष्ण को मांग न सका, जानता था तो भी स्वीकार नहीं करता था। वो है कौरव, बाबा के बच्चे काफी चले जाते हैं, बाबा की निंदा कराते, वो भी है कौरव। और पांडव दिखाते जो बाबा के बच्चे बने रहते अंत तक, यादव मुसल निकालते जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिसाइल्स, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाले, ऐसा दिखाते हैं शास्त्रों के अंदर, महाभारत के अंदर। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं, वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरों को धमकी दे रहे हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही लड़ रहे हैं। रशिया और अमेरिका क्या है, दोनों क्रिश्चियन कंट्री, सब क्रिश्चियन लोग हैं। यही यूरोप, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया। दिखाता था ना बाबा कहते शराब पिया मुसल निकले यादव यूरोपवासी, उसमें इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब आ जाते। जो बाबा के बच्चे होंगे वो जरूर बाबा के ज्ञान में आ जाएंगे, बाकी जो कन्वर्ट हो गए, बाकी तो वही के वही अंदर ही लड़ मरेंगे, पांडव कभी लड़ते नहीं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव, भारत के आसपास देखो कौरव और पांडव, कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और पांडवों की विजय पांडवों की हुई, दिखाते हैं महाभारत में। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की, कौन हो, क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय कृष्ण, श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण तो पवित्र है, ये कौरव और पांडव, पांडव अभी पूरे पवित्र बने नहीं है और कौरव तो बनते ही नहीं है, इसलिए वहाँ तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता, कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला, राम की 2 कला कम, 12.5% पावर डाउन प्योरिटी का। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट पावरफुल, नेक्स्ट टू गॉड है वो आत्मा। तो बाबा कहते हैं प्रिंस का भी प्रिंस है, विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूछते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था, हम विकारी है। द्वापर से पता चल जाता है आत्मा को, पता है, इसलिए तो अपने को देवता कहते नहीं, हिंदू कह देते, क्योंकि डिविनिटी हैज बीन लॉस्ट। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे न। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है, शिव जयंती शिव का, सोमनाथ का मंदिर देखो, हीरे जड़ित पूरा सोने का, वह है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है कोई,
क्योंकि पांच तत्वों से बंधे हुए है, शरीरधारी है, चाहे स्थूल शरीर चाहे सूक्ष्म शरीर। हिंदुज्म देवता कहता है, दूसरे सब रिलीजन उसको एंजल कहते हैं, इतना ही फर्क है, मगर है डिवाइन क्वालिटी वाले, है संपूर्ण ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता बन गया मतलब कंप्लीट एंड परफेक्ट ब्राह्मण बन गया मतलब देवता बन गया। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा, दूसरा किसी को नहीं कह सकते, किसी को यह टाइटल दे ही नहीं सकते। ज्ञान का सागर, सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता, सर्व आत्माओं का पिता, परम आत्मा जो जन्म मरण या तो शरीर या तो चक्र में आता नहीं है। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती व श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, कौन सी जयंती पहले, जो गीता उसमें से निकली। जब श्री कृष्ण से जब अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, क्योंकि वो आता ही है सतयुग में, पहला प्रिंस है। शिव की जयंती कब हुई थी किसको पता नहीं है। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम भर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी, उसके पहला सतयुग का राज स्थापन कौन करेगा, कृष्ण नहीं कर सकते। कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, उसने तो फल पाया, जो ज्ञान मिला उनका, इसलिए वो नहीं कर सकता। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तब तक रहते हैं, उन्हों को यह बातें बुद्धि में लानी है, क्या कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताए कि शिव जयंती सो गीता जयंती। बाबा का मेन एसेंस ये है, सार ये है कि सिद्ध कर बताओ शिव जयंती ही गीता जयंती है, जिससे फिर कृष्ण जयंती होती है, फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है राजाओं का राजा, महाराजा है, एम्परर एम्प्रेस है, लक्ष्मी नारायण जिसमें से बनते हैं। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहाँ तो है राजा है। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म वाले, इसलिए वहाँ लड़ाई का नाम निशान हो ही नहीं सकता, वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है, दुनिया को पता नहीं, हमें पता है तो हमारी फर्ज बनती है समझाना। पांडव और कौरव सभा मशहूर है, पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को शास्त्र, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की कोई बात ही नहीं है, जो जो धर्म में लड़ाई दिखाई है, इस्लाम में जिहाद, क्रिश्चियनिटी में होली वॉर, हिंदुइज्म में महाभारत वगैरह, ऐसी कोई फिजिकल लड़ाई, वास्तविक लड़ाई होती नहीं है। ये लड़ाई ही है अपने अंदर की, जो खराबी और अच्छाई है उनकी लड़ाई है। विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही एक की जन्म सूर्य वंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना हिंदू सभा, हिंदू महासभा वालों को, सभाएं तो और भी है बाबा कहते, लोकसभा राज्यसभा काफ़ी सभाएं बाबा कहते, क्योंकि पंचायती राज है ना, तो सभा के बिना चलेगा कैसे। यह हिंदू सभा है मुख्य, ऐसे तीन सेनाएं गाई हुई है, यादव कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर, ये कोई सतयुग में नहीं हुई। सतयुग में लड़ाई शोभती नहीं है, क्योंकि वो तो डबल अहिंसक है, कैसे लड़ेंगे। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है।
गीता जरूर संगम पर ही गाई है, अब संगम पर किसको लाए। श्री कृष्ण तो आ न सके क्योंकि वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है। उनके जन्म से ही पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है, जन्म लेने की सिस्टम बदल जाती है। उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए, और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, उनकी आत्मा तो अंत स्टेज में खड़ी है, इसलिए कैसे आएगी। तुम जानते हो अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते श्री कृष्ण हाजरा हजूरे सर्व्यापी है, तुंडे तुंडे मतिर बिन्ना, हर इंसान के मत अलग अलग है। अब श्री कृष्ण की आत्मा बाबा कहते ब्रह्मा की आत्मा 84 जन्म में वो कैसे हाजरा हजूर होगी, कैसे सर्वव्यापी होगी। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण को सर्वव्यापी कहते हैं। श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे है, जितने भी 24 अवतार दिखते ऐसे मानते श्री कृष्ण ने धरे है। राधे पंथी होंगे वो फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। तब कहते वैसे दिखाते फीमेल और मेल भी कहते हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी है, कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी, जिसको जो मानता हो उसको आगे बढ़ते थे। अब बाप तुम बच्चों को समझाते, यह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी जैसा है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व की सर्वशक्तिमान सत्ता है विश्व की पूरी। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं, क्या अथॉरिटी कि इन सबको समझाओ, हमने समझा तो दूसरों को समझाओ, हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं, गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं है, वह खुद ही मूंज गए। कौन गवर्नमेंट वाले जो भारत देश को सेक्युलर कंट्री बना दिया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ही नहीं था, बाद में एडिशन हुआ। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजा स्थापन हो, तब तक कैसे होगी, राजा स्थापन हो ही नहीं सकती है। फिर तो बस राजा स्थापन हो गए, फिर सम्मुख तब आए जब राजा गवाओ, जब तक राजा है तब तक उनकी जरूरत ही नहीं है। जब राजा एक गवाह देते हैं देवान में आ जाते हैं, गिरते हैं वाम मार्ग में, तब उनको पुकारते हैं और अंत में वो आता है। तो तुमको सिद्ध करना है क्या, शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और शिव जयंती सो गीता जयंती, शिव बाबा आते हैं ज्ञान देते हैं गीता का, और तभी ही गीता जयंती होती है। इस पर नाटक बनाते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए, इस नाटक बनाने हैं बाबा कहते नाटक बनाओ। काफ़ी ड्रामा काफ़ी मूवी हमारी बनी हुई है, जो दक्कन दी के लोहार की साइड पर है, या तो हमारे जो ORG साइट है wellsdotbrahmakumari.org उनके ऊपर भी सब मूवी रखी हुई है, 33 मूवी है, 33 मूवीज। तो कहने का मतलब बाबा कहते हैं कि निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए। व्यास को भगवान कहते, मगर व्यास क्या है, मनुष्य ऋषि मुनि है, बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाबा कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगल टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। रिटायर्ड हो जाते बाबा 2500 साल। द्वापर से उनका रोल चालू होता है साक्षात्कार कराने का, तब तक आराम से बैठे ऊपर, इसलिए बाबा मैं चला जाता हूँ। बाबा कहते यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ, और किसी की ताकत नहीं है सुना सके ऐसा नॉलेज, कोई ये नहीं कह सकता काम छोड़ो संसारी को, बाबा ही कह सकता है। इसलिए बाबा कहता है कि मैं सम्मुख आकर स्वयं सुनाता हूँ। और कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था,
जो स्वर्ग बनाकर चला गया। वह गीता सुनाने वाले बोल गीता सुनाते परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं, इसलिए बाबा कहते वहाँ कहते भगवान कहाँ से आएगा। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? जो परमात्मा ही नहीं तो कैसे बनाएगा? मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, समझते हैं गीता से ईश्वर की स्थापना हुई है इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना, दूसरे धर्म सब पीछे आए। और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे, कोई नहीं कहता। लिबरेशन की बात है, प्योरीफायर की बात नहीं है वहाँ। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते। सुनो लॉजिक देखो बाबा का, गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते कहाँ, गंगा के किनारे पर मटके भर कर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते कि सब रोग मिट जाए। और यह है फेथ हीलिंग, जितना फेथ होगा उतना काम करेगा आत्मा की पावर। एक्चुअली वास्तव में यह ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। बात है किसके? ज्ञान अमृत की। कहाँ ले गए हैं? गंगा के पास। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगा ये निकली होगी, वह पानी की नदियाँ तो है ही, स्वर्ग में भी है वो। ऐसे थोड़े ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे वहाँ। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगा। क्या है ज्ञान गंगा? ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सत्युग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते। हे अर्जुन व हे संजय आदि आदि नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। कौन? जगदीश बाबा। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेज फुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, मतलब रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है, दूसरा कुछ नहीं। परमात्मा का रहम, मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं दुनिया में, जो मास्टर होते हैं ना उसके प्रोफेसर होते हैं। सत्युग में ब्लिस की दरकार नहीं है वहाँ। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती, व सत्ययुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। भगवान ने पूरा का पूरा ऐसे दे दिया, प्रूव करो। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते, द्वापर से माया का राज होने से सब पतित हो जाते। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हम जाए, यहाँ तंग हो जाते हैं ना दुखी दुखी। जो धर्म स्थापन करते वही फिर बुद्धि को पाते हैं, पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है ये चार धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है। टाल टालियाँ निकलती है शिव जयंती। बनाए हुए वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवर बाप कितना सहज कर समझाते हैं, उनकी श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है जिसको ही कहते हैं श्रीमत। अब तुमको यह सिद्ध करना है क्या कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती, या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? शिव बाबा से ही गीता निकलती है, गीता का ज्ञान, और उनके आधार पर ही कृष्ण जयंती होती है। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ने? हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है।
सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं है वहाँ। पांडवों ने ही विजय पाई जो स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके, उनको सभा की जरूरत नहीं है। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सॉवरेंटी, विश्व राज्य अधिकारी है, राजा है वहाँ। सभा की बात कहाँ से आए, वहाँ थोड़ी डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं है वहाँ, वहाँ पंचायती राज नहीं है। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी, उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। बाबा ने क्लियर कर दिया पांडव सभा, क्योंकि यहाँ कलयुग में हमारे राजा ही नहीं है, यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, किसके नाम पर से, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से, चोटी दिखाते ऊपर ब्राह्मणों को, किसका नाम है, ब्रह्मा के संतान समझते। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे, यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए, इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जो समझते हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की सभा होती है ना, लड़ाई में देखो सब होते हैं ना, यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए, समझेंगे तो योग लगाएंगे ना, कनेक्ट होंगे, वरना कैसे होंगे। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। वो क्या कहते, उड़ाने आया है हमें तो, मगर उसके लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले, क्यों नहीं उड़ सकते, क्योंकि माया ने जो पाव पवित्रता शक्ति के जो पंख है पूरे के पूरे तोड़ डाले। योग लगाने से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। योग के बिना आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि योग के बिना शक्ति आ नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करें। इससे करनी है बाबा का ज्ञान से मनुष्यों को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। सामने वाला रिस्पेक्ट दे नहीं दे, हमारा काम है रहम दिल बनकर मन वचन कर्म से देना। दूसरी पॉइंट है ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन। शिव जयंती पर सिद्ध करना है क्या कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, और गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। आज का वरदान है दिनचर्या के हर कर्म में करो, जो हम सुबह से उठते तब से शाम तक जो करते हैं उस दिनचर्या में सॉरी हर कर्म जो हम कर्म करते हैं उसके अंदर यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले, अर्थ सहित और युक्ति से चलने वाले जो चलेंगे वो क्या बनेंगे, पूज्य पवित्र आत्मा भव, तो पूज्य बन सकेंगे, तो पावन बनेंगे। तो बाबा समझाते हैं पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है क्या, उनका हर संकल्प हर बोल हर कर्म और हर स्वप्न। बाबा कहाँ तक जाते हैं संकल्प के डिटेल में, स्वप्न में, यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा, हर संकल्प में अर्थ होगा यथार्थ। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया निकल गया कर लिया हो गया, अब कहते ऐसे नहीं,
पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। जितना यहाँ दिनचर्या परफेक्ट एज ए ब्राह्मीन, उतनी ही पूजा पूरे दिन, नहीं तो साल में एक बार या दो बार, उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। न जाकर देखो श्रीनाथ जी द्वारिका, सब जगह पैसा होता है ना। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। कैसी स्थिति होनी चाहिए? सदा विजयी और एक रस। अच्छा, ओम शांति।